नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पूजनीय ग्रंथ है रामायण। इससे तो सभी जानकार होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं आपको रामायण ग्रंथ क्यों दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में क्या है, अगर हम प्राचीन काल में बात करें तो हमारे ग्रंथों में भी फूल फल और अनेक बगीचों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अगर बात करें हम रामायण की, तो रामायण में दोस्तों जो आपका लोटस का कमल था उसका बहुत बड़ा वर्णन मिलता है, लोटस के फूलों का क्या मिलता है बहुत बड़ा वर्णन मिलता है। और रामायण की बात करें तो अशोक के वृक्ष जो बड़ी मात्रा में क्या रामायण कालखंडों में क्या मिलता है इसका वर्णन मिलता है, जो सजावट के रूप में प्राचीन काल में बाग बगीचों में प्रयोग होते थे। जैसा कि आपको उदाहरण के लिए बताऊं, अपनी सीता माता को जहाँ सीता माता अपनी रुकी थी वो क्या थी, अशोक वाटिका थी दोस्तों। इसीलिए रामायण काल में भी क्या है, ऑर्नामेंटल गार्डनों का बहुत बड़ा प्रचार था, बहुत अधिक प्रचलित था। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।